अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, अब मैं अपनी फाइनेंस की ही सीरीज़ की दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। इसके अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि बेसिक हमारे पास इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स कौन सी होती हैं। तो हमारे पास सबसे पहली जो दो टेक्निक्स होती हैं, एक है ROCE, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। इसको ARR भी कहा जाता है, यानी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। और दूसरी हमारे पास है पे बैक पीरियड। अच्छा, अब इस वीडियो में मैं अपनी जो है वो ये दोनों टेक्निक्स जो हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की, इनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं सबसे पहले जो शुरू कर रहा हूँ वो है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, ROCE का बेसिकली मकसद ये होता है कि ये सबसे पहली चीज़ हम निकालते हैं इन परसेंटेज। अच्छा, अब ये हमारा रिटर्न है कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर, जितना पैसा लगाया था उस पैसे के अगेंस्ट हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। अच्छा, अब इसको हम बेसिकली कंपेयर करते हैं, इसका जो भी आंसर आता है दो में से एक चीज़ से, एक या तो टारगेट आपका जो परसेंटेज आपकी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि भाई ये मेरा जो है ना वो प्रॉफिट परसेंटेज होना चाहिए, या मेरे कैपिटल एम्प्लॉयड के अगेंस्ट हमें इतना परसेंट रिटर्न मिलना चाहिए, या दूसरा हर्डल रेट कह सकते हैं उसको आप, कि भाई अगर ये हमारा जो हर्डल क्रिएट हुआ हुआ है इससे ज़्यादा होना चाहिए ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इसको हम डिवाइड कर लेते हैं डिवाइडेड बाय इनिशियल कैपिटल कॉस्ट, यानी जो पैसे हमने शुरू में लगाए गए हैं, ठीक है। अच्छा, इसको भी मेजर करने के दो ही तरीके हैं। ROCE को हम या तो इनिशियल कैपिटल कॉस्ट के अगेंस्ट चेक करते हैं, यानी अगर मैंने जो पैसे शुरू में लगाए हैं, या दूसरा हम इसका इसकी जगह पे हम रख दें अगर एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो ये भी एक तरीका होता है चेक करने का हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी हमारे पास इन शॉर्ट दो तरीके हैं। पहले तरीके में हम एवरेज पीबीआईटी डिवाइडेड बाय हम कर रहे हैं इनिशियल कैपिटल कॉस्ट, ये पहला तरीका है हमारा। और दूसरा तरीका है हमारा, हम एवरेज पीबीआईटी डिवाइड करेंगे हम एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट से। अच्छा, अब इन दोनों के लिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके बोर्ड पे, और उसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ सकेगा। अच्छा, अब ये आपके पास एक क्वेश्चन है जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को अगर मैं प्रॉपरली रीड करूँ तो ये कह रहा है कि अ प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द इमीडिएट परचेज ऑफ एन आइटम ऑफ प्लांट कॉस्टिंग 110,000 डॉलर्स, इट वुड जनरेट एनुअल कैश फ्लोज ऑफ 24,400 फॉर 5 ईयर्स, यानी ईच ईयर 24,400 हो गया, ठीक है। और ये कैश फ्लोज है, ये प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा है अभी। द प्लांट परचेज वुड हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 10,000 डॉलर्स इन 5 ईयर्स व्हेन द प्रोजेक्ट टर्मिनेट्स, डेप्रिसिएशन इज ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। अच्छा, इसके बाद ये दो रिक्वायरमेंट है, ROCE निकालना है दोनों तरीकों से, यानी इनिशियल कैपिटल से भी और एवरेज कैपिटल से भी। अच्छा, इसके लिए हमें सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि इसके लिए हमें सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि हमें जो है वो डेप्रिसिएशन निकालना चाहिए। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, 1 सेकेंड, 1,10,000 हमारी मशीन की कॉस्ट है, इसमें से हम स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स 5,
तो हमारी हर ईयर की ईच ईयर की डेप्रिसिएशन आ गई 20,000। ठीक है, अच्छा ये हमारी आई डेप्रिसिएशन, तो हमारा प्रॉफिट जो है वो कैश फ्लो माइनस डेप्रिसिएशन है। कैश फ्लो है हमारा 24,400 माइनस डेप्रिसिएशन है 20,000, तो इज इक्वल्स टू प्रॉफिट बना हमारा 4,400। सॉरी ये नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट। अच्छा, अब इसके बाद हमें सेकंड स्टेप पे ये करना चाहिए कि हमें जो इनिशियल कैपिटल कॉस्ट है उससे डिवाइड करना है। तो हमारे पास पहला ए तो बहुत सिंपल है, 4,400 डिवाइडेड बाय 110,123। ठीक है, इज इक्वल्स टू, कैलकुलेटर ले लेते हैं हम, तो कैलकुलेटर में 110,123, सॉरी 4,400 डिवाइडेड बाय 110,123, डिवाइड की जगह पॉइंट आ गया। जीरो एक दो तीन, तो हमारे पास 4%, यानी मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये आंसर आ रहा है इसका 4%। इसका आंसर है 4%। अच्छा, और दूसरे वाले के लिए मैं यहाँ पे जगह ले लेता हूँ, बी। बी में भी वही, ऊपर तो 4,400 ही आएगा लेकिन नीचे है आपके पास एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप किस तरह निकालेंगे, 1,10,000 माइनस नहीं प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, ये मैंने जो 000 ये हटा दिए हैं फिलहाल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1,20,000, तो 60,000 आ जाएगा नीचे, तो 60,000 और 4,400। अच्छा, फिर कैलकुलेटर पे देखते हैं, 4,400 डिवाइडेड बाय 60,000, तो इसका आंसर है तकरीबन 7.3%। ठीक है, तो ये हमारे पास आया है 7.33%। ठीक है, अच्छा अब अगर आपको याद हो कि एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट को निकालने का तरीका क्या था, कि हम जो है वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है उसके अंदर स्क्रैप वैल्यू को ऐड करते हैं। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो बना 120, और डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो बना 60। दिस बेसिकली आई एम रिड्यूसिंग, ये जो 000 थे ना, 123, 123, तो इसको मैं रिमूव करके कैलकुलेशन कर रहा था, मैं इसके और डाल देता हूँ। ठीक है, तो 60,000 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और यही 60,000 मैंने यहाँ पे ले लेना है। इसका मतलब ये है कि मेरी इनिशियल कैपिटल कॉस्ट से 4% है मेरा आंसर, और अगर मैं एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेता हूँ तो इसके थ्रू आंसर मेरा 7.33% है। अब अगर मेरे पास कोई टारगेट्स रेट हो तो उस रेट के अगेंस्ट मैं इन दोनों परसेंटेजेस को चेक कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं एक और क्वेश्चन इसका कराता हूँ। इसके अंदर एक चीज़ थी कि इसके अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी, ये जो आपका रिटर्न इज नॉट इन्वेस्टमेंट, आपका जो रिटर्न है ये कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका प्रॉफिट कांस्टेंट आया, तो इस वजह से ये आंसर इस तरीके से सुकून से निकल गया, आपको परेशानी नहीं हुई। आपको एवरेज रिटर्न, जो मैंने वर्ड यूज़ किया था कि एवरेज प्रॉफिट बिफोर पीबीआईटी लेना है, तो एवरेज पीबीआईटी हमें इसलिए नहीं लेना पड़ा क्योंकि ये जो एवरेज है ये ऑलरेडी गिवन दे दिया। अगर आप 4,400 को मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे और डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो एक ही आंसर आ जाएगा, 4,400, तो इसलिए ये एवरेज ही है, इसलिए इसके ऊपर इतनी वर्किंग मुझे करनी नहीं पड़ी। मेरी बात समझ में आई? अब मैं इसका एक और क्वेश्चन कराता हूँ, उसके अंदर वेरी करेगा हमारा इनफ्लो, तो थोड़ा और आपको क्लैरिटी आएगी उससे। अच्छा, अब अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली एक चीज़ देखें पहली, कि इन्वेस्टमेंट आपकी ये है। ठीक है, और आपके पास जो सेल्वेज वैल्यू है वो ये है,
तो आप इन्वेस्टमेंट माइनस सेल्वेज वैल्यू पढ़ लें सबसे पहले, तो आपके पास 700,000 आ गया, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ इयर्स 7 इयर्स ये लिखा हुआ, और इन्वेस्टमेंट भी 7 इयर्स की, ये पता चल ही रहा है। तो डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 100,000, आपके पास डेप्रिसिएशन आ गया हर ईयर का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कैश इनफ्लोस आपके पास जो है वो वेरिएबल दिए हुए हैं। फॉर्मूला अगर आपको याद हो, एवरेज पीबीआईटी था, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे अपने इनफ्लोस का एवरेज करना होगा। सबसे पहला काम मुझे ये करना होगा कि मुझे अपने इनफ्लोस को एवरेज आउट करना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इन सबको मैं ऐड कर लेता हूँ और डिवाइडेड बाय 7 कर लेता हूँ। तो मेरे पास है 100 प्लस 200 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 150। तो इसका मतलब 1750000, 1750000। अगर मुझे एवरेज आउट करना है तो मैं डिवाइडेड बाय 7 कर लूंगा, तो मेरे पास इज इक्वल्स टू आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 250। अच्छा, अब प्रॉफिट निकालना है, तो दिस 250 माइनस दिस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू माई प्रॉफिट। तो 250 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 150, दिस शुड बी माई प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इसके अंदर फिर वही दो तरीके से आरओसीई निकालना है। पहला तरीका है इनिशियल कैपिटल कॉस्ट। इनिशियल कैपिटल कॉस्ट मेरी कितनी है, 8 लाख, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा पीबीआईटी 150 डिवाइडेड बाय 800, मैं 000 को काट रहा हूँ, 1,50,000 कर दिया मैंने, ये 000 हटा दिए और 8 लाख के लिए मैंने ये 000 हटा दिए, इज इक्वल्स टू मेरा जो भी आंसर आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 100% कर दूंगा। तो आंसर आएगा मेरा 0.1875। मैं कैलकुलेटर से भी एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ, 150 डिवाइडेड बाय 800 इज इक्वल टू 0.81875 मल्टीप्लाई बाय 100%। अच्छा, अब मैं बी पे चले जाता हूँ, यानी इस वाले पे। बी में क्या था, 150 का 150 रहेगा, डिवाइडेड बाय मेरी इन्वेस्टमेंट जो कि 800 थी वो, प्लस स्क्रैप वैल्यू जो कि 100 थी, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। तो इज इक्वल्स टू 150 सामने ही नज़र आ रहा है, 800 प्लस 100 900 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब 450। तो 450 आ गया। अच्छा, अब मैं कैलकुलेटर से चेक करता हूँ, 150 डिवाइडेड बाय 450, तो मेरे पास आया तकरीबन 0.3333। इसको मैं 100% से मल्टीप्लाई कर लूँगा, 0.3333 मल्टीप्लाई बाय 100%, 33.33%। इसका है 18.75%, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर ये नहीं कर रहा कि मैं मैच कर रहा हूँ इन दोनों को, आपस में कंपेयर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इसके अंदर ये है कि मुझे मेरा टारगेट रेट या मेरा हर्डल रेट मैनेजमेंट की तरफ से असाइन होगा, ठीक है। तो मैंने अपने ये जो दो क्वेश्चंस थे, दो रिक्वायरमेंट्स थी, वन और ये दो रिक्वायरमेंट सेकेंड, इन दोनों के लिए मैंने ये और ये आंसर्स कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके बाद दूसरी तरफ जा रहा हूँ, दूसरे इन्वेस्टमेंट का जो अप्रेजल का जो मेथड है वो है पे बैक पीरियड। तो अब मैं पे बैक पीरियड का क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, पहले मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, पे बैक पीरियड का जो मकसद है बेसिकली वो ये है कि हमारा पैसा जो हमने इन्वेस्ट किया है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, वो कितने अरसे में रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइम इन विच
पावर इन्वेस्टमेंट इज रिकवर्ड, कितने अरसे के अंदर हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा। अब इसके अंदर परसेंटेज नहीं आएगा, इसके अंदर टाइम पीरियड या नंबर ऑफ इयर्स आएंगे। इसके अंदर दो डिसीशन रूल्स होते हैं, डिसीशन रूल जो डिफाइन किए जा सकते हैं। पहला रूल ये है कि हम वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट शुड बी सेलेक्टेड, हम वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे जो हमें हमारे स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में पैसा रिटर्न कर दें। शुड बी सेलेक्टेड विच पेज बैक ऑन स्पेसिफाइड टाइम, या दूसरा तरीका ये है कि चूज दी ऑप्शन, अगर दो इन्वेस्टमेंट हैं तो ऐसा ऑप्शन चूज करो विच रिकवर्स इन्वेस्टमेंट क्विकली, जो हमारा पैसा जल्द अज जल्द रिकवर करे। वो वाला इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट जो है ना, वो हमें लेना है, यानी वो हम अपने लिए प्रोजेक्ट अप्रूव करेंगे जिसमें हमें पैसे जल्दी वापस रिटर्न मिले। पैसे जितनी जल्दी वापस मिलेंगे, हम इतनी जल्दी कहीं और इन्वेस्ट कर सकेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर भी दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है हमारे पास कि अगर फिक्स्ड है हमारी इनकम, फिक्स्ड कैश फ्लो, जो हमारे रिटर्न है ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड कैश फ्लो हमें मिल रहा है, यानी वक्त पे मिल रहा है, और एक एग्जैक्ट अमाउंट, सेम अमाउंट हर ईयर रिटर्न मिल रही है, यानी हर साल फॉर एग्जांपल 200 200 200 200 इस तरह से रिटर्न मिल रहा है, तो ये इसका मतलब ये वेरी नहीं कर रहा, ये सिमिलर है। इसके तरीका अलग होगा, और अगर ये वेरी करेगा, दूसरा तरीका है वेरी वेरिएबल कैश फ्लो, तो उसका तरीका अलग होगा। सबसे पहले मैं आपको फिक्स कैश फ्लो का तरीका कराऊंगा। उसके लिए मैं आपको पहले एक क्वेश्चन देता हूँ जैसे लास्ट टाइम किया, और फिर उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एन एक्सपेंडिचर ऑफ 2 मिलियन इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट नेट कैश इनफ्लोज ऑफ 200,000 ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 7 ईयर्स। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो पहली चीज़, आपके पास इन्वेस्टमेंट ये है 2 मिलियन की, ठीक है, और आपके पास इनफ्लोज ईच ईयर ये हैं जो कि फिक्स्ड है। अगर आपके पास कॉन्स्टेंट एनुअल इनफ्लोज हो, ठीक है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो। ठीक है, तो इसका मतलब इस केस में हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 2 मिलियन, मिलियन में 6 जीरो जोन है, तो 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो ये और ये आप काट दें, 2 1 2, 2 10 20, तो आपका आंसर है 10 इयर्स। सिंपल, ठीक है। अच्छा, इस केस के अंदर अगर आप गौर करें तो हमें कोई डिफिकल्टी पेश नहीं आई, हमने सुकून से ये काम किया कि हमने सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट को एनुअल कैश इनफ्लो से डिवाइड कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब मैं एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखूंगा, लेकिन वो क्वेश्चन मैं आपको अब सॉल्व नहीं करवाऊंगा, वो आपको खुद करना होगा। सारे पैरामीटर्स लिखे हुए होंगे, तो आपको सिर्फ वो क्वेश्चन देखना है और उसको खुद से सॉल्व करना है अपने पास। अच्छा, अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर भी अब आपके पास सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, ये आपका इन्वेस्टमेंट है इनिशियल, और ये आपका पर ईयर इनफ्लोज है। अब आप इस फॉर्मूले को यूज करके अपने पास खुद सॉल्व करें, और फिर उसके बाद कमेंट सेक्शन के अंदर इसके आंसर डालें। थैंक यू। अब मैं इसके बाद जो है वो आपको
ये तो फिक्स्ड इनफ्लोज है, अब मैं आपको अनइवन या वेरिएबल वेरी करने वाले कैश इनफ्लोज का क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है? तो मैं अभी आपके क्वेश्चन जो है वो एक स्क्रीन पे लोड करूँगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊँगा, उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन करना किस तरह है, फिर जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो आप खुद करेंगे। अच्छा, अब ये मेरे पास क्वेश्चन है लिखा हुआ एक्सेल के अंदर, ठीक है? अ प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू हैव द फॉलोइंग कैश फ्लोज, ये मेरे पास ईयर आ गए और ये मेरे पास कैश फ्लोज आ गए। अगर आपको पिछला क्वेश्चन याद हो तो पिछले क्वेश्चन में हर एक का कैश फ्लो सिमिलर था, 3.5 लाख 3.5 लाख जो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन कराया उसके अंदर था, ठीक है? इसके अंदर आपके पास इनफ्लो एक ये है, ठीक है, ओ सॉरी आउटफ्लो एक ये है और आपके पास इनफ्लो वेरी कर रहा है। अच्छा, इसको क्वेश्चन को मैं अगर एक्सेल में कराता हूँ तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ये लिख लूंगा कि मेरा क्यूमुलेटिव बैलेंस कितना है, रिमेनिंग क्यूमुलेटिव रिमेनिंग बैलेंस, ठीक है? इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर मैं टेक्निक ये लगाता हूँ कि इज इक्वल्स टू दिस और प्लस दिस। अच्छा सॉरी, मुझे यहाँ से करना चाहिए था, ठीक है? मेरा पहले ईयर के अंदर है ये सेम बैलेंस, इसके बाद दिस और प्लस दिस। अगर मैं ये एक्सेल में कर रहा हूँ तो मेरी आसानी ये है कि मैं यहाँ पे अगर एक सिर्फ डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा कि किस तरीके से होना है। अच्छा, अब अगर मैं उसके अंदर कर रहा हूँ, मतलब फिजिकली कर रहा हूँ, तो मुझे किस तरीके से करना होगा वो मैं आपको वर्ड पे करा के दिखा देता हूँ कि मैं अपने पास हर ईयर का ये जो बैलेंस है ये यहाँ पे लिख लूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5। 0 ईयर में -1900, फर्स्ट ईयर के अंदर 300, सेकंड में 500, थर्ड में 600, फोर में 800 और फाइव में 500। अब मैं करूँगा ये कि मैं इस बैलेंस को यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ 1900 जो कि नेगेटिव में, दिस प्लस दिस तो आएगा मेरे पास -1600, ठीक है? फिर उसके बाद दिस प्लस दिस मेरे पास आएगा 1100 माइनस दिस प्लस दिस, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास आएगा -500, फिर दिस प्लस दिस तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 300 प्लस, और उसके बाद यहाँ पे आ गया मेरे पास 800 प्लस, ठीक है? अच्छा, अब ये बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं निकाल क्या रहा हूँ, पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड विद अन ईवन कैश फ्लोस। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले वो पॉइंट जहाँ पे ये मेरा नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, मेरा क्यूमुलेटिव बैलेंस जिस पॉइंट पे नेगेटिव से पॉजिटिव में हो रहा है, यहाँ पे देखिए आप ये नेगेटिव में, यहाँ पे ये पॉजिटिव में, तो मैं यहाँ पर एक लाइन बना लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 ईयर्स। इसका मतलब जो मेरा बैलेंस है वो इन दोनों के बीच में कहीं है, ठीक है? तो ये मुझे आइडेंटिफाई करके रखना है कि भाई ये मेरा जो बैलेंस आएगा वो इन दोनों के बीच में कहीं आएगा। अब उसके बाद मैं सेकेंड स्टेप क्या करूँगा, मैं सेकेंड स्टेप ये करूँगा कि ये जो 500 मेरा रिमेनिंग है, दिस रिमेनिंग बैलेंस यानी 500, और ये जो मेरा नेक्स्ट पीरियड में बैलेंस मिलेगा 800, 500 को मैं 800 से डिवाइड कर लूँगा और जो भी आंसर आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 12 कर लूँगा। तो 500 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 12। अच्छा, ये जो मैं 12 कर रहा हूँ ये बेसिकली मैं मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए 12 है, तो ये 12 फिक्स ही रहेगा इफ़ वी आर कन्वर्टिंग इन मंथ्स। अब मैं कैलकुलेटर खोल के चेक करता हूँ कि क्या आंसर आता है, तो 300 सॉरी 500 डिवाइडेड बाय 800, सबसे पहले मैंने ये निकाल लिया और उसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया, तो मेरे पास तकरीबन 7.5 महीने या मैं 8 महीने कर देता हूँ तो मैं लिख लूँगा 3 ईयर्स एंड 8 मंथ्स। जब भी मेरे पास किसी भी कैलकुलेशन का जो है वो जवाब ईयर्स में कैलकुलेट करने में अगर पॉइंट में आता है, यानी 0.12 आ गया, तो इसका मतलब ये मैं मल्टीप्लाई बाय 12 करूँगा तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू मंथ्स,
है। और इसी तरीके से अगर जब मैं इवन माल वाला, जो ये तो अनइवन है, इवन कैश फ्लोस कर रहा हूँ और उसमें भी आंसर मेरा 3.4 आ जाए या 4.4 आ जाए, तो जो मेरा आंसर 0.4 आएगा मैं 0.4 को मल्टीप्लाई बाय 12 करूँगा, तो इसका मतलब 4.8 आ जाएगा, तो इसका मतलब 5 महीने बन जाएगा। ये उस केस में है कि अगर मेरा इवन कैश फ्लो का आंसर डेसिमल में आता, तो पहले वाला जो फिगर डेसिमल से पहले जो आएगा वो कंप्लीट ले लेंगे, और डेसिमल के बाद वाला जो आएगा, डेसिमल के बाद वाला जो आएगा उसको हम जो है वो कन्वर्ट करेंगे मंथ्स के अंदर। ठीक है, खैर ये आपके पास जो है ये आंसर आ गया, किस तरीके से आंसर आ गया अनइवन का, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। नहीं समझ आया तो ये एक और दफ़ा वीडियो देख लेना, नहीं फिर समझ आ रहा तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, आप वो क्वेश्चन जो है वो अपने पास करें, खुद से करें और कमेंट में आंसर डालिएगा ज़रूर। अच्छा जी, ये अब मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, अब ये क्वेश्चन आप अपने पास सॉल्व करें और देखें कि आंसर क्या आता है, और इस आंसर को आप जो है वो अपने पास कमेंट में मेरे पास आंसर दें, ताकि मैं भी चेक करूं कि आप लोग करके आ रहे हैं, वीडियोस से ही देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरा नंबर जो है वो इंट्रो के अंदर आता है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या SBA एकेडमी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलें अब मैं आगे की जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें ही मैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के और तरीकों को एक्सटेंड करूंगा। अब मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी की तरफ लेके चले आऊंगा आपको, अभी मैंने एक लेक्चर के लिए उसको थोड़ा सा होल्ड कर लिया। होपफुली दिस इज़ हेल्पफुल टू यू, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।